तो लेते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। तो कोटा में स्पीकर ओम बिरला हर साल की तरह इस साल भी यहाँ सर्दी के मौसम में पहुंचे। आप सब जानते हैं कि भारत के हर इलाके में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है और इन सबके बीच हर शख्स सर्दी से बचने के लिए मुमकिन कोशिशें कर रहा है। ऐसे में जिन लोगों के घर नहीं होते या जो लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं खरीद पाते, उनके लिए सामाजिक कार्यकर्ता मदद पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक सामाजिक कार्यकर्ता का रोल निभाया। उन्होंने छावनी फ्लाईओवर के पास जरूरतमंदों को कंबल अपने हाथों से ओढ़ाए। कई सामाजिक काम कोटा में स्पीकर बिरला की ओर से यहाँ कराए जाते रहे हैं। इन सबके बीच में मेरे सहयोगी ने सड़कों पर उतरे स्पीकर बिरला से बातचीत भी की है, जरा सुनिए। कड़ाके की सर्दी में एक बार फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है सड़कों पर निकले हैं और जो खुले आसमान के नीचे लोग सोते हैं उनको कंबल वितरण कर रहे हैं। पिछले कई सालों से जो है लगातार स्पीकर ओम बिरला का ये सामाजिक कार्यों का सिलसिला लगातार जारी है और इस साल भी वो पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि कोटा में कड़ाके की सर्दी हो रही है, हर साल उनकी तरफ से एक कंबल निधि जो है वो शुरू किया जाता है। उसके साथ साथ जो तमाम जो चीज़ें हैं जो उससे राहत मिल सके आम जन को और जो लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं उनके जो है वो खुद पहुंचते हैं और उनको कंबल वितरण किए जाते हैं। अस्पताल के साथ साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी कंबल निधि जो है वो स्पीकर की तरफ से लगातार चलाई जाती है। और अब क्योंकि कोटा में कड़ाके की सर्दी हो रही है, ऐसे में वो आज फिर जो है कोटा की सड़कों पर निकले हैं और यहाँ पर जो है छावनी फ्लाईओवर का जो ये एरिया है, इस एरिए में जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, जो लोगों को कंबल जो है वो खुद अपने हाथों से ओढ़ा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से स्पीकर बिरला बारी बारी से सभी के पास पहुंच रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और उनको वो भी मैं बात भी करने की कोशिश। जी स्पीकर साहब, हर साल की तरह आप फिर आए हैं। सर्द की लहर तेज हुई है और गरीब व्यक्ति फुटपाथ पर सोते हैं तो उनको समाज के लोग कंबल जो भी व्यवस्था होती करते हैं और ये हमारे यहाँ पर सामूहिकता से काम करना, सबके सहयोग करना, वंचित गरीब की सेवा करना हमारे जीवन के संस्कार संस्कृति है और इसी तरीके से समाज के सब लोग मिलकर ये काम करते रहते हैं। अच्छा रहता है कि हर गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव के लिए सब लोग सामूहिकता से काम करें और ये अच्छी हमारी सामाजिक व्यवस्था है और इस पर हम देखते हैं कि कभी भी आपदा आती है, संकट आती है, कोई विपत्ति आती है तो पूरा समाज सामूहिकता से काम करता है, इसलिए वसुदेव कुटुंबकम हमारे परिवार की संस्कृति है। कंबल निधि जो है पिछले 15-20 साल से लगातार चल रही है, इस साल भी लोगों को फायदा मिल रहा है। कंबल निधि जब जरूरत होती है लोगों को, सर्द में हॉस्पिटल के बाहर लोग आते हैं, मरीज के साथ अचानक आ जाते हैं तो उनके पास कंबल नहीं होती, रजाई नहीं होती ओढ़ने के, तो उनको कंबल रजाई उपलब्ध कराते हैं। ये सब समाज के सहयोग से चलता है। तो स्पीकर ओम बिरला को आप देख सकते हैं कोटा की सड़कों पर निकले हैं और जो निर्धन तबका है, जो खुले आसमान के नीचे रात गुजारता है, उनके बीच पहुंच रहे हैं और उनको कंबल वितरण किए जा रहे हैं। साथ ही उनकी जो जरूरत है उसके लिए भी वो सीधे मुखातिब होकर पूछताछ कर रहे हैं। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए भी वो बात कर रहे हैं और उसके समाधान के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कोटा से शाकिर अली, NDTV।